एक तो मेरा ये ख्याल है कि प्राइम मिनिस्टर इंडिया मोदी साहब जो हैं, ये बड़ा फैसला है कि एक एक कॉरपोरेट वर्ल्ड है, इंडिया बड़ा मुल्क है, उनकी इंडस्ट्री, उनका बिजनेस, ये बहुत बड़ा मेरा ख्याल है, उन्होंने एक ब्लो मारा है। क्लासर, जिस तरह आपने मोदी साहब का जिक्र किया है, अभी मैं भी न्यूज में ये देख रही थी कि मोदी साहब ने 500 और 1000 के नोट जो है वो खत्म करने का ऐलान कर दिया कि करप्शन खत्म होगी। वाकई करप्शन खत्म? क्लासर साहब का बड़ा फेवरेट टॉपिक, पहले तो शुरू करवा लेना। चले ठीक है आपके पास। मैं थोड़ी सांस लेना चाह रहा था। नहीं, ये हम भी यहाँ पे रोते रहते हैं कि ये जो इसके पीछे आइडिया क्या है कि लोग जो दौलत छुपा के रखते हैं उसको फॉर्म जो है दौलत जो है नोट छुपा के रखने हैं ना, तो वो उसमें हजार के और जो 5000 के अब जब कर देते हैं तो छुपाना आसान हो जाता है। हाँ। जब ये 100-100 रुपए के, जिस तरह हम सुनते हैं कि फलाने ने कराची में 1 करोड़ रुपया छुपा लिया, तो सिंध के अंदर ये बलूचिस्तान में 45 करोड़ रुपया एक सेक्रेटरी के घर से निकल आया, तो अगर 5000 का नोट नहीं होगा, 1000 का नहीं होगा ना, तो ये बेसमेंट में नहीं आएगा 48 करोड़ रुपए का, एक पूरा एक जहाज चाहिए होगा उसके लिए करने के लिए। तो आइडिया ये है। वैसे भी ये हमारे मुल्क में आप देखिए, अमेरिका में आज से 100 साल पहले भी यही डॉलर था, यही सेंट्स थे, ये वो आज तक चल रहा है। ग्रैंड जिसे कहा जाता है, $1000 का, वो किसी ने देखा नहीं होता, वो एक सिक्का है जो शायद होता है, मैंने कभी नहीं जिंदगी में देखा, तो वो आज वैसे कई 100 सालों से ऐसे चल रहा है, $100 से नहीं बढ़ाया उन्होंने। तो हमारे यहाँ हम टकों कौड़ियों से चले थे, मेरी जिंदगी में मैंने बचपन में पैसे देखे हुए हैं, आने देखे हुए हैं, और हम 5000 तक पहुंच गए हैं 50 साल की मेरी जिंदगी में। मैं जरा इसको, हमने तो 5000 वाले भी नोट, वो अभी आएंगे, 50000 वाला आएगा, हम आगे जाएंगे पीछे नहीं जाएंगे। एक तो मेरा ये ख्याल है कि प्राइम मिनिस्टर इंडिया मोदी साहब जो हैं, ये बड़ा फैसला है कि एक एक कॉरपोरेट वर्ल्ड है, इंडिया बड़ा मुल्क है, उनकी इंडस्ट्री, उनका बिजनेस, ये बहुत बड़ा मेरा ख्याल है, उन्होंने एक ब्लो मारा है उस तबके पे जो वहाँ पे एक आप कह सकते हैं उनकी गैर कानूनी इकॉनमी है, ब्लैक मनी है, करप्ट लोग हैं, जो बात आमिर कह रहे हैं बड़ी अहम है। अगर 100-100 रुपए होंगे, मैं रिश्वत ले रहा हूँ अगर 100 रुपए की, मैंने को लेना है 10 लाख रुपया लेना है या 50 लाख लेना है, तो मुझे घर में रखने में मसला होगा। अगर मुझे आपने अगर 5000 के नोट में देने, ये तो आराम से उठाएं, एक छोटा सा बैग बनाए किसी अलमारी में, उसको वो कर दें। ये इसके पीछे बड़ी फिलॉसफी है जो आम लोग नहीं समझेगा कि इससे क्या फर्क पड़ता है। भाई बड़ा फर्क पड़ता है, 5000 के अगर 500 नोट होंगे, अगर 100 रुपए के, तो उसको रखना मुश्किल है। एक बात, मोदी साहब का बड़ा फैसला है, वी मस्ट लर्न फ्रॉम इट, इसके पीछे एक बड़ी थिंकिंग खड़ी है, एक बड़ा एक उस पर कंसेप्ट खड़ा हुआ है कि करप्शन तो रुकेगी, इस पे लोग डिस्करेज होंगे नोट, या करप्शन का थोड़ा सा लेवल कम हो जाएगा। जो पहले लेता था ना 50000, वो आप कह गए 5000 ही दे दे, 100-100 वाले 5 ही दे दे, यार ये कोई काफी है, ये कौन रखेगा, कैसे रखेगा, या पकड़े जाएंगे। और इसका एक और बड़ा एक इंपैक्ट होता है, इन्फ्लेशन, जब आप बड़े नोट बना देते हैं महंगाई बढ़ जाती है, आम आदमी को नहीं समझ आएगी इस बात को कि इन्फ्लेशन का नोट से क्या तलोक है, बड़ा गहरा तलोक है। आज तक अमेरिका ने $100 से आगे कोई मार्केट नहीं किया, ब्रिटेन ने 50 पाउंड से मेरा ख्याल है उनका ज्यादा का नोट नहीं है। इसके पीछे एक बड़ी वेल थॉट फिलॉसफी है कि इन्फ्लेशन भी काबू में रखनी है, आपने करप्शन भी काबू में रखनी है, लोगों को रिश्वत के रेट्स भी नहीं बढ़ने देने। ये जितने काम कर रहे हैं, नोट बढ़ाए गए हैं, आपने 50 से 100 किया, 100 से 500, 500 से 1000, 1000 से 5000 किया, ये करप्शन के लिए किया सारा। मोदी साहब ने जैसे बड़ा फैसला किया ना, मैं समझता हूँ इट्स गुड फॉर इंडिया एज वेल, उनकी इकॉनमी के लिए, उनके लोगों के लिए। एक बड़ा फैसला और करें, वाजपेयी साहब जैसे वाला रूट लें, दोबारा नवाज शरीफ के साथ एंगेज हूँ या पाकिस्तान के साथ एंगेज हूँ, जो हमारे आउटस्टैंडिंग इश्यूज हैं उनके साथ, ये रीजन नहीं तरक्की करेगा, इंडिया भी ट्रबल में रहेगा, हम भी ट्रबल में रहेंगे, अफगानिस्तान भी रहेगा। उनको वाजपेयी साहब जैसा बड़ा दिल दिखाना चाहिए, उन्हें बैठ के एक नए सिरे से जो हमारे आउटस्टैंडिंग इश्यूज हैं उनको फिक्स करना चाहिए। अगर मोदी साहब उनको चाइना के साथ फिक्स कर सकते हैं इश्यूज, इंडिया कर सकता है, पाकिस्तान के साथ भी इनके होने चाहिए, ताकि पूरा रीजन एज ए होल तरक्की करे। एक मुल्क तरक्की कर जाएगा, हमसाए आपके गरीब होंगे, हिस्ट्री ये कहती है, दुनिया के जितने गरीब लोग थे वो पसमांदा थे, वो डेजर्ट के हूँ माउंटेनियस, वो जितने गरीब होते जाते हैं वो सिविलाइजेशन के लिए, अमीर मुआशरों के लिए थ्रेट बनते हैं, बनते चले जाते हमेशा से डेजर्ट से, और आपके माउंटेनियस एरियाज से जो हमलावर आए हैं उन्होंने आके सिविलाइजेशन पे आके उन्होंने किए। सो बेहतर ये है कि इंडिया अकेले वो तरक्की मत करे, इश्यूज फिक्स करे, खुद भी तरक्की करे और पाकिस्तान भी करे और पूरा रीजन उस पर तरक्की करे। आप इन इश्यूज को, मेरा ये ख्याल है मोदी साहब को
वाजपेयी साहब वाला रूट लेना चाहिए, ये कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट इवन इंडिया के हाथ में भी नहीं है, हमारे भी नहीं है, रीजन में भी नहीं है। लास्टली कमेंट, लास्टली सिर्फ ये कि ये जो नोट बड़े किए जाते हैं, हमें आइडिया दिया गया था 10,000 का भी, ये फैसिलिटेट करने के लिए जाता है करप्ट को, ये वाइटनिंग स्कीम भी दी जाती है करप्ट को फैसिलिट करने के लिए, सहारे देने के लिए जनाब, ज्यादा से ज्यादा करप्शन करके माल छुपाया भी जाया जा सके और बाहर भी ले जाया जा सके। सही है, ठीक है। इसके साथ ही जिस तरह से ये बड़ा इकदाम किया गया, उम्मीद है कि पाकिस्तान भी शायद इस किस्म का कोई बड़ा फैसला सामने ले आए। इसके साथ ही प्रोग्राम अपने इकदाम को पहुंचता है, बहुत सारा ख्याल रखिएगा।